नमस्कार दोस्तों, तो आपने देखा हमारे सामने ई रिक्शा था और आज हम कुछ ऐसा टिप्स आपसे शेयर करने वाला हूँ जो आप अगर अच्छा से फॉलो करते हो तो आपका ई रिक्शा का जो बैटरी है वो तुरंत चार्ज होने वाला है और आपका बैटरी अगर अच्छा से चार्ज होता है तो आपको माइलेज भी अच्छा मिलने वाला है। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक ही बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ओके करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लेफ्ट साइड में ये जो है ये हमारा ई रिक्शा का बैटरी चार्जर, तो ये जो बीच में है ये हमारा बोर्ड है और इसके बगल में ही आप देख सकते हो ये हमारा 6mm वायर्स है। मैं आपको बता दूँ कि आपको 6mm का वायर्स कहाँ पे कनेक्ट करना है। आपको तो पता ही है कि ये 3-pin प्लग को अगर हम इनपुट करते हैं उसके लिए चाहिए हमें एक बोर्ड, इस तरह का एक बोर्ड हमें चाहिए और बोर्ड का वायर्स आपने अगर इस तरह का वायर से वायरिंग किए हो तो तुरंत उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि इस वायर्स के वजह से आपका बैटरी चार्ज होने में लेट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये जो बोर्ड आप देख सकते हो इसको हम पहले से ही ओपन करके रखे हैं ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये हमारा 6mm का वायर्स है, ये जो 6mm का वायर्स है आपको यहाँ पे अच्छा से कस लेना है और आप इसका बिल्कुल ध्यान देंगे और मैं ये सारा वीडियो में बताता हूँ कि इस ये सब जो चीज़ है अच्छा से कसना है, अच्छा से कस लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ों में अगर लूज छोड़ते हैं आप तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने का, आपने देखा 6mm का वायर्स को हम यहाँ पे जोड़े हैं और बाकी सारा में अभी हम नहीं जोड़ेंगे। आपको तो बताया हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए, तो आप ये जो टॉप में होता है आप देख सकते हो ये वाला, ये हमारा टॉप का होता है और ये ग्राउंड वायर को लगाना होता है, यानी यहाँ से आप कनेक्ट करके सीधा ज़मीन में दोगे और इसका कनेक्शन यानी ग्राउंड वायर का कनेक्शन आप अगर नहीं करते हो तो आपका ई रिक्शा का जो चार्जर है वो ज़्यादा हीट होने वाला है और आपको पता ही है कि चार्जर अगर ज़्यादा हीट होगा तो आपका चार्जर जल्दी खराब भी हो जाएगा। तो इसलिए अब जिस बोर्ड से आप ई रिक्शा चार्जर को कनेक्ट करते हो वहाँ पे ग्राउंड पिन का वायर्स अगर नहीं है तो आप तुरंत कनेक्ट कर लीजिए और वो भी 6mm वायर से। अभी आपको ये जो बोर्ड का वायर्स है इसको लेके सीधा आप दूसरा बोर्ड में कनेक्ट मत कीजिए, तो आपका घर में जो वायरिंग है वो जलने का चांस ज़्यादा रह जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये जो वायर्स है इसको आप डायरेक्ट कनेक्शन दीजिए। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। डायरेक्ट कनेक्शन होता है जैसे कि आपका मीटर में डायरेक्ट आए हैं और मीटर से निकल के जैसे ही MCB में लगते हैं वो MCB से आपको वायर्स को निकाल के ये बोर्ड में कनेक्ट करना होता है, इसी को ही बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। आप अगर इस तरह से 6mm का वायर्स और आप ये 3-pin प्लग का कनेक्शन यानी ग्राउंड पिन का कनेक्शन करते हो तो आपका चार्जर भी तुरंत ख़राब नहीं होने वाला है और आपका ई रिक्शा में जो बैटरी लगा है वो भी तुरंत यानी फर्स्ट चार्ज होने वाला है। तो ये तो था ई रिक्शा बैटरी को फास्ट
चार्ज करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।